सुबह से लखीमपुर खीरी में लोग मतदान कर रहे हैं। ये तो मतदान करना अपने आप में जो है गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन सबसे पहली बार जो फर्स्ट वोटिंग करते हैं यानी पहली बार जब मतदान स्थल की ओर जाते हैं, उनके अंदर एक अजीब सी हौसला होता है, अजीब सा उत्साह और खुशी होती है कि हम पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, देश के लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी करने जा रहे हैं और ऐसे फर्स्ट वोटर से हम बातचीत करने के लिए निकले हैं। आइए पता करते हैं, बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम स्नेहा मित्तल है। किस क्लास में? सर मैं बी ए सेकेंड ईयर कर रही हूँ। पहली बार मतदान किया जी, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत उत्सुक थी कि मुझे वोट करने को मिलेगा। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कब मैं बड़ी होंगी, कब मैं 18 की हो जाऊंगी, तब मुझे वोट करने को दिया जाएगा। क्या मकसद होता है वोटिंग का? सर वोटिंग करने की हमारा एक मतलब एक हमारा वो होता है, अधिकार होता है कि हमें इसमें मतलब वोट देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। सबसे कहती हूँ कि वोट करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम वोट देंगे तभी तो हमारा कोई मतलब हमारे जो नेता जो हम चुनेंगे तभी वो हमारे लिए कुछ कर सकेंगे, अपने मन की सरकार चुन पाएंगे। हाँ, अगर हम लोग वोट देंगे तभी तो मतलब कुछ, अगर हम सही उम्मीदवार को वोट देंगे तो सही नेता हमारे लिए आएगा, तो हमें वोट देना ही चाहिए। मतदान बिल्कुल सही बात है कि जायज है, जब मतदान करेंगे तभी हम अपने मन की सरकार चुन पाएंगे और मन की सरकार ही मन का काम करते हैं। बड़ा क्या नाम है? प्रतीक्षण। फर्स्ट टाइम वोट किया? यस सर। क्या कैसा लगा? अच्छा। क्या कितना इंतजार था वोटिंग को लेकर? बहुत इंतजार किया। क्या अच्छा लगता है, किस कुछ मुद्दे को लेकर दिमाग में मतदान किया कि जो है ये चुनाव हम सरकार चुनेंगे तो ये बदलाव होने वाले हैं? मैं स्टूडेंट हूँ तो बेरोजगारी की वजह से स्टूडेंट वैकेंसीज वगैरह कम आती हैं अच्छी खासी, मतलब यूपी में बहुत हाल खराब है। हाँ, लगता है कि इस बार बेरोजगार परेशान है सरकार। हाँ, बहुत ज्यादा 84% बेरोजगारी है देश में। तो मैंने उस हिसाब से मतलब मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्पेशली इसलिए वोट किया है कि सरकार बदलेगी तो नहीं ज्यादा वैकेंसीज होंगी और जितनी बेरोजगारी दर घटेगी देश की, इसी वजह से मैंने स्पष्टी किया। देखिए ये युवा है और युवाओं का कहना है कि जाहिर सी बात है फ्यूचर और फोकस और फ्यूचर पे होता है, फ्यूचर ही युवा के लिए सब कुछ होता है, फ्यूचर के लिए वैकेंसी और वैकेंसी इनके दिमाग में मुद्दा है। आइए और लोग बात करते हैं, क्या बेटा वोट किया तुमने इस बार? मैंने भी बेरोजगारी को ध्यान में रखकर किया है, हर बार जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं लीक हो जाते हैं, कोई भी आए एग्ज़ाम्स होते नहीं, अगर होते हैं तो लीक होते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाती है, डिले होता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। क्या लगता है इस बार इस सरकार पर युवाओं को भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ना मुझे है, और सब वैसे भी हर एक शख्स ने इस गवर्नमेंट में प्रोटेस्ट किया है, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर स्टूडेंट हर कोई परेशान है, फार्मर्स हर कोई परेशानी है इस गवर्नमेंट से। क्या लगता है आप यूथ हो, यूथों के बीच में रहते हो, बातचीत होती रहेगी, तो क्या लगता है कितना यूथ इस बार जो है इस सरकार से नाखुश है, और अगर जो है खुश है तो कितना है, खुश है तो किन मुद्दों पर खुश है, नाराज है तो किन मुद्दों पर नाराज है? नाराजगी के तो मुद्दे पता है मुझे, खुशी के तो नहीं पता है। चलिए नाराजगी ना हो, बेरोजगारी है और बड़े लोग जैसे हैं तो महंगाई है और फीस वगैरह हर चीज बहुत ज्यादा है, लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं लेकिन उनकी वैकेंसीज तो आती नहीं है, हाँ सालों इंतजार के कोई ओवर एज हो रहा है, तो ये नाराजगी के मुद्दे तो मुझे पता है, खुशी का नहीं। मेरा क्या लगता है, कह रहे हैं कि युवा जो है यूथ जो है सरकार में खुश नहीं है, उसको बेरोजगारी वैकेंसी वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, सब बहुत ट्राई करते इतनी इतनी डिग्रीज लेके बैठ के पढ़ रहे हैं बट कोई भी मतलब नहीं है फायदा कि इतनी मतलब इतना बहुत लंबे वक्त तक वेट करना पड़ता है कि अब कोई वैकेंसी आएगी तो कोई जॉब के लिए मतलब अप्लाई करेगा तो नहीं हो पाता, तो इस बात से तो मैं भी नाराज हूँ कि मतलब होनी चाहिए वैकेंसीज होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि यूथ इस बार परिवर्तन करने के मूड में? सर करना चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि परिवर्तन हो। तो ये यूथ है, फर्स्ट वोटर्स हैं, आप भले नहीं लखीमपुर खीरी पोस्ट के साथ हम और भी यूथ से बात करेंगे, फर्स्ट वोटर्स से बात करेंगे, आधी आबादी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किन मुद्दों पर इस बार मतदान हो रहा है। लखीमपुर खीरी पोस्ट, गोपाल गिरी।